आलमी बैंक पाकिस्तान को 37 करोड़ डॉलर्स फरहम करेगा। रकम में 20 करोड़ डॉलर पंजाब में सेहत आवा के प्रोजेक्ट्स पर खर्च किए जाएंगे, जबकि रकम में से 17 करोड़ डॉलर्स खैबर पख्तूनख्वा में ज़रई शोबे की बेहतरी पर खर्च किए जाएंगे। इस्लामाबाद में सेक्टरी इक्तिसादी अमूर नूर अहमद और आलमी बैंक के पाकिस्तान में कंट्री डायरेक्टर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक और वजारत इक्तिसादी अमूर के माबैन दो मंसूबों के लिए 371 मिलियन डॉलर फंडिंग फराहम करेगा। तकरीब में वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर खुसरो बख्तियार ने भी शिरकत की। वफाकी वजीर का समाजी तरक्याती प्रोग्राम और जरिए शोबे में फंडिंग पर वर्ल्ड बैंक का शुक्रिया। वर्ल्ड बैंक केपी में निजाम आपाशी के मंसूबे में कुल लागत में 171 मिलियन डॉलर की फंडिंग करेगा। मंसूबा आपाशी का दायरा कार केपी के में तमाम इजला पर लागू होगा। वर्ल्ड बैंक हुकूमत पंजाब के समाजी प्रोग्राम में 200 मिलियन की शराकत दारी करेगा, जिसकी कुल लागत 330 मिलियन डॉलर है। समाजी तरक्याती मंसूबे में प्राइमरी हेल्थ, तालीम और मशरूत नक रकम की मुंतकली के प्रोग्राम शामिल है। समाजी तरक्याती प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब के 11 इजला बशमूल जनूबी पंजाब के 8 इजला पर होगा। वफाकी वजीर बराए इक्तिसादी अमूर का कहना था कि गुरबत का खात्मा और पसमानदा इलाकों की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत पाकिस्तान सेहत और तालीम के शोबे की तरक्की में संजीदा है। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने कहा कि पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में शराकत दार जारी रहेगी।